वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के कंसेप्ट्स हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिसका लिंक ऊपर सजेशन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। प्लीज पहले आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसमें आपको सब कुछ कि उसका कैसे क्या मीनिंग होता है, क्या उसके कॉजेज होते हैं, प्रॉब्लम्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके साइंस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, सब कुछ डीप में प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर पहले आप उस वीडियो को देखेंगे फिर इन एमसीक्यू को करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ आएंगे। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका हमने इसमें नहीं डाल पाए तो वो भी आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोज हु सफर फ्रॉम अ डिफेक्ट दैट इज अकंपनीड बाय वन और अनदर टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी दैट इनहिबिट्स द नॉर्मल एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर मसल्स जॉइंट्स और बोन इज, यानी कि इसने बोला गया है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, डिसेबिलिटी यानी कि कमी, इम्पेयरमेंट भी वही होता है कि भाई मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर या फिर बोन्स के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी यानी कि कमी आना, जो क्या होती है, दैट इनहिबिट्स द नॉर्मल एक्सरसाइज, जो हमारी नॉर्मल एक्सरसाइज, हम जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें भी रोक लगाती है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, बोथ या नन। तो इसका आंसर आएगा बोथ, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, द मेन कॉज ऑफ लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी कुड बी, तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो कॉजेज बहुत सारे, लेकिन इसने क्या पूछा है, मेन कॉज पूछा है, तो मेन कॉज देख लेते हैं इसका, डिजीज और डिसफिग्रेशन इन द बोन्स, यानी कि बोन्स के अंदर डिजीज होना या फिर कोई डिसफिग्रेशन यानी कि कमी होना। यस, अभी हमने ऊपर पढ़ा बोन्स में होता है ये, इंजरीज ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड और द नर्व्स, कि भाई कोई भी अगर हम हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी में या नर्व्स में इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम इंजरीज, बिल्कुल जो मसल्स में या फिर स्केलेटन सिस्टम में कोई इंजरी होती है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ऑल सारे के सारे इसके मेन कॉजेज में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें, कॉजेज ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जो हमने अभी मेन कॉजेज पढ़े हैं इसके अलावा और भी कॉजेज हैं जिसको हमने कैटेगराइज्ड किया हुआ है कि भाई किसमें, ये हेरिडिटरी यानी कि जन्म से होते हैं, कोजेनिटल जन्म के टाइम पे होते हैं, एक्वायर्ड जो एनवायरमेंट से एक्वायर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं जिनको हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफिकेशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन्वॉल्व, तो अब हम पता कैसे चलेगा कि कोई पर्सन है कि भाई हाँ इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कि भाई हाँ ये इसके सिम्टम्स कह सकते हैं हम, कि भाई हाँ इसको देखते ही कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। तो देख लेते हैं, पोअर मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर कोई पर्सन है उसका मोटर यानी कि अपनी थिंकिंग पे, अपनी स्किल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है, भाई उसके जो हाथ पैर कोई भी चीज़ है उसके कोऑर्डिनेट नहीं करते, वो जो करना चाहता है वो नहीं हो पाता। यस, ये भी उसके क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन साइंस होते हैं। वॉक ऑकवर्डली वॉर विद अ लिम, यानी कि उसको चलने में भी परेशान, मतलब अजीब से तरीके से चलता है जिसे टेढ़ा मेढ़ा या उसके लिम्ब में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है डिफिकल्टी इन सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, बिल्कुल, तो उसको बैठने में भी डिफिकल्टी होती है, स्टैंडिंग में भी और वॉकिंग में, तो सारे के सारे कॉजेज है। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बताइए कि इसमें से कौन सा साइन नहीं है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, तो आपको ये तीन दे देंगे और कोई एक अलग से दे देंगे, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, हाउ मेनी लेवल कैन बी अंडरटेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो कितने लेवल बताए गए हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, 3 लेवल बताए गए हैं। ठीक है, हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लेवल प्रिवेंशन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें क्या चीज नहीं होती है, मतलब तीन होती है एक नहीं होती है, देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोजेनिटल डिजीजेस थ्रू काउंसलिंग, कि भी जो फर्स्ट लेवल में क्या होता है, पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं, भी देखते हैं भी किस तरीके की उसकी डिसेबिलिटी है, किस पार्ट में उसको प्रॉब्लम है। फिर है,
proper care of impairment in the chronic stage to avoid functional limitation. तो जो chronic stage होती है वो first level में नहीं होती, वो second level में होती है. Care तो होती है उसकी, लेकिन वो second stage में, second level में होती है. ठीक है. फिर इसमें prevention of malnutrition and vitamins deficiency. बिल्कुल, तुम first level पर ही देखते हैं कि भाई जो उसकी balanced diet है, जो उसको खाने पीने में कहाँ problem हो रही है, उसको vitamins की कहाँ deficiency है, वो सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है. फिर है prevention of accidents by provision of safety measures at home and workplace. बिल्कुल, तो हम अपने आप को अगर safety रखेंगे, जैसे अगर हम जा रहे हैं bike पे तो हम helmet रखेंगे, या injuries कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपने सेफ्टी मेजर्स रखेंगे, तो भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे फर्स्ट लेवल के कॉजेज हैं, लेकिन बी नहीं है, ये सेकंड लेवल का कॉज है. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें, व्हेन डिसेबिलिटी अकर इट इज नेसेसरी टू ट्राई टू प्रिवेंट एनी लॉन्ग टर्म फंक्शनल लिमिटेशन फ्रॉम अकरिंग then it is come from. तो वो क्या कह रहा है कि भाई कोई भी अगर डिसेबिलिटी होती है तो उसको लॉन्ग टर्म में भाई आगे लंबे समय तक ना चले. जैसे वैसे एक डिसेबिलिटी हम कह सकते हैं कोई बीमारी, जैसे कैंसर है, उसकी अलग अलग स्टेजेस बताई गई है. फर्स्ट लेवल स्टेज पे होता है, सेकंड स्टेज पे. तो पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले देखते हैं किस तरह की उसकी बीमारी है, फिर उसको आगे उसके हर स्टेज पे उसकी क्योर करते हैं. ऐसे जैसे अब कोरोना वायरस है, इसमें भी ऐसे ही है, अलग अलग स्टेज पर ये चला था कि भाई हाँ फर्स्ट स्टेज पे इतना ये होता है, सेकंड पे इतना. उसी तरीके से हमारी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसमें भी ये कॉजेज आते हैं. ठीक है. तो देखते हैं इसके ऑप्शन, फर्स्ट लेवल प्रिवेंशन, सेकंड लेवल प्रिवेंशन, थर्ड लेवल प्रिवेंशन, या फिर नन. तो इसके में क्या होगा, सेकेंड लेवल प्रिवेंशन में ये होता है कि भाई हम जो लॉन्ग टर्म जो फंक्शनल लिमिटेशन है उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. फिर है इसमें, proper diagnostic and treatment facilities should be uniformly available at. तो क्या कह रहा है कि भाई अगर हम घर पर ही चीजों को, कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोज करें, उसको ढूंढे कि क्या बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करें यूनिफॉर्मली, मतलब लगातार उसका ट्रीटमेंट चलता रहे, तो वो किस लेवल में होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंड लेवल ऑफ हेल्थ केयर, थर्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर, या ओ लेवल ऑफ हेल्थ केयर. तो ये हर लेवल में होता है कि भाई हम उसका प्रॉपर केयर, भाई हम अपने न्यूट्रिशन को, बैलेंस डाइट को मेंटेन रखें, सारे विटामिन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब अच्छे से लें, कोई भी हम अपनी जैसे इंजरीज से बचने के लिए प्रिकॉशंस लें, तो कैसे उसको अगर फर्स्ट लेवल में हो भी जाती है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे उसको प्रिवेंट करें. तो ये हर लेवल में जरूरी होता है. ठीक है. तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर. नेक्स्ट है इसमें, measures should be taken to prevent disability when long-term functional limitation has developed. Like, यानी कि measures, यानी कि क्या क्या precautions कह सकते हैं हम लेंगे disabilities को prevent करने के लिए, when, जब long-term functional limitation has been developed, जब कोई भी बीमारी को लंबे समय से चल रही हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कौन से होंगे वो, मेडिकल, साइकोसोशल, एजुकेशनल, या फिर और. तो ये इसका कहने का मतलब है कि जब कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें मेडिकल भी लेना चाहिए, साइकोसोशल भी, अपनी साइकोलॉजी को, सोसाइटी को कैसे मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना वो भी देखना, एजुकेशनल हेल्प भी होती है कि भाई हम कैसे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले कि भाई हाँ कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर. नेक्स्ट है इसमें, The government of India has taken several measures towards prevention of locomotor disability includes all. तो काफ़ी सारे जो एक्ट कह सकते हैं हम, या फिर प्रिवेंशन के लिए मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्या क्या है उसमें देख लेते हैं. नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अब इसमें से एक पूछा गया है कि वो नहीं, कौन सा नहीं है, किसके लोकोमोटर को ठीक करने के लिए, तो कौन सा नहीं है. नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, और नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम. तो इसमें से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन से ही ठीक नहीं होगी, ये लेप्रोसी होती है, ट्यूबरक्लोसिस से होती है, कैंसर होती है, जो अलग अलग स्टेज पे बताए गए हैं, इसलिए उनको कैसे इरेडिकेट करना है गवर्नमेंट ने बताया हुआ. तो ऑप्शन है इसमें गलत. ठीक है. फिर है इसमें, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक टुवार्ड्स प्रिवेंशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इन है. तो पब्लिक का क्या, वो तो गवर्नमेंट का था अपना कंट्रीब्यूशन, अब पब्लिक का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देखते हैं.
मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन. बिल्कुल, जैसे अब कोरोना वायरस के सिचुएशन में बताया जा रहा है बार बार कि भाई पर्सनल हाइजीन रखिए, सैनिटेशन का ध्यान रखिए, अपने आसपास खुद की भी केयर कीजिए. फिर है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीजेज लाइक पोलियोमेलिथिस एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज. तो ये जो डिजीजेज है, पोलियो हो गया, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है, वो जो इम्यूनाइजेशन यानी कि उसकी डोज होती है या फिर इंजेक्शन होता है उससे ट्रीट हो सकती है. फिर है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एल्कोहल एंड अडोप्टिंग गुड ईटिंग हैबिट. बिल्कुल, अगर हम जो भी ये ड्रग्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अगर इसको अवॉइड करेंगे और अच्छी गुड हैबिट्स रखेंगे, पूरा जो न्यूट्रिशन है बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छे से सारे के सारे अपने डाइट में न्यूट्रिशन रखेंगे, तो वो हम खुद से ही इस डिसेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. और एक होता है कि भाई हम फर्स्ट लेवल से उसकी केयर करना शुरू करेंगे. तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर. नेक्स्ट है इसमें डैश कॉजेज आर ड्यू टू जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. ये सारे के सारे डिसेबिलिटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि वो कौन से कॉजेज होते हैं जो इंडिविजुअल के जो जीन से होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट भी होते हैं. तो ये सिंपल सा है, ये हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं, जो कि क्या होता है कि भाई हमारे जैसे पूर्वज होते हैं, अगर उनमें कोई डिसेबिलिटी होती तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि उनके एंसेस्टर में भी आ जाते हैं. तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर. नेक्स्ट है इसमें कॉमन कोजेनिटल डिफेक्ट्स इंक्लूड. तो कोजेनिटल इफेक्ट्स कौन से होते हैं जो बर्थ के टाइम पर ही होते हैं, जैसे क्लब फुट, डिसलोकेशन ऑफ हिप, मिसिंग बोन्स या फिर और. बिल्कुल, तो जैसे क्लब फुट हो जाता है, जैसे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं, हिप डिसलोकेट हो जाती है, मिसिंग बोन्स, कोई बोन्स ही नहीं होती, तो ये सारे के सारे कोजेनिटल डिफेक्ट होते हैं. फिर है इसमें द डिफेक्ट्स. अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डाले हैं, बाकी अगर इजी पेपर आएगा तो ऐसे आएगा कि भाई ऑप्शन दे देगा और वो बताएगा. अगर थोड़ा सा वो टफ बनाएगा तो क्या करेंगे एग्जामिनर, कोई तीन ऑप्शन देगा कि जो इंक्लूड होंगे और एक ऑप्शन ऐसा देगा जो इंक्लूड नहीं होगा, तो आपको वो, और वो भी सिमिलर से देंगे कन्फ्यूज करने के लिए. तो इसलिए प्लीज आप ये सारे के सारे कंसेप्ट की वीडियो में देखिए, आप और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी इसके जो कॉजेज हैं, डिफेक्ट्स हैं, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सा नहीं होता. ऑप्शन चार ही होते तो हम सारे नहीं डाल सकते, इसलिए हमने जो मोस्टली यूज होते हैं वो डाले. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द डिफेक्ट्स ड्यू टू इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशियंसी, एक्सरे, ग्लैंडुलर डिसऑर्डर ऑफ द मदर, इम्प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एटसेट्रा. तो एटसेट्रा आ गया ना, इसका मतलब और भी ज्यादा डिफेक्ट्स होते हैं जो किसी इन्फेक्शन से होते हैं, या फिर मदर में कोई जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं करवाती, सारी न्यूट्रिशन नहीं लेती, कोई भी कॉजेज हो सकते हैं. तो कौन से कॉजेज होते हैं देख लेते हैं. हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं, नहीं, हेरिडिटरी तो हमने पढ़ा था, ये जीन्स की वजह से होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होते हैं. कोजेनिटल कॉजेज, हाँ, ये बर्थ के टाइप पे जैसे होते हैं ना, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, ये हो सकते हैं. एक्वायर्ड जो एनवायरनमेंट से होते हैं, तो ये एनवायरनमेंट से भी नहीं होते, ये कोजेनिटल होते हैं. तो या तो बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले, जैसे जब प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के बाद हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यहाँ पे स्लैश आएगा टाइप ऑफ एक्वायर्ड कॉजेज. तो कौन से जो एक्वायर्ड, जो कि एनवायरनमेंट से हो सकते हैं, कौन से होता है इन्फेक्शन. बिल्कुल, इन्फेक्टिव कॉजेज हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन से हो सकते हैं किसी कारण, ट्रोमेटिक कॉजेज हो सकते हैं. बिल्कुल, तो बोथ होगा इसका आंसर. तो एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रोमेटिक भी, कोई भी डिलीवरी के टाइम पे कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, एयर, वाटर और जो भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, टॉक्सिक एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन और अदर जॉइंट्स, क्रोनिक ऑस्टियोमेलाइटिस, स्पेसिफिक आर्थिसिस, एक्यूट पोलियोमेलिथिस, लेप्रोसी, एज एक्सेट्रा, ऑल आर. तो ये सारे के सारे किसके कॉजेज बताए गए हैं, इन्फेक्टिव कॉजेज या फिर ट्रोमेटिक कॉजेज, बहुत या नहीं. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना दो, इन्फेक्टिव और ट्रोमेटिक, तो ये इन्हीं को बताया गया. तो ये सारे के सारे क्या है, इन्फेक्टिव कॉजेज होते हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे टीबी हो गया या फिर कोई भी पोलियो हो गया, एड्स हो गया, लेप्रोसिस हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल और भी होते हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अभी मैंने बताया जैसे एयर, वाटर, रोड, कोई भी डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स हो गया, कोई भी घरेलू हमारी कोई भी इंजरी हो जाती है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है जो हम बाहर काम करते हैं, कोई बुलेट इंजरीज है, फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर जाए तो कोई भी हमारी हड्डी है, बोन है, स्केलेटन सिस्टम है, वो दिक्कत हो जाती है, वस्कुलर भी हो सकता है, एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है, वॉयलेंस वॉर होती है तब हो सकता है, फिर स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, तो ये काफी सारे कॉजेज है, ये किसके माने गए, ये ट्रोमेटिक कॉजेज माने गए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। फिर है नेक्स्ट इसमें, विच वायरस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द माउथ एंड मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइन एंड ट्रेवल्स टू लिम्फ नोड्स एंड फाइनली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। तो वो कौन सा वायरस है जो कहाँ से एंटर करता है, मुंह से हमारी बॉडी में एंटर करता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब काफी ज्यादा बढ़ते रहते हैं, एक वायरस वो काफी सारे बन जाते हैं इंटेस्टाइन में, और ट्रेवल्स लिम्फ, फिर वो लिम्फ और नोड्स में जाके फाइनली कहाँ पे इफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है, वो पोलियोमाइलाइटिस, माइलाइटिस होता है, बचपन से ही हो जाता है, जिसमें हमारे जैसे हाथ पैर लिम्फ वगैरह काम करना बंद कर देते हैं, फिर कम काम करते हैं, ठीक है। इसका आजकल ये पोलियो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है हमारे देश से। फिर है सेकेंड लास्ट, अ कंडीशन मार्क बाय इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेट and or other disability typically caused by damage to the brain before or at the birth। तो एक ऐसी condition, ऐसी कमी जो birth से पहले भी हो सकती है और birth के time पर भी हो सकती है, जिसमें क्या होता है muscles के अंदर coordination नहीं हो पाता हमारी, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेन हेमरेज नहीं, वो मसल्स के लिए नहीं, वो ब्रेन के लिए होता है, उसको बोलेंगे सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। ब्रेन एनोक्सिया भी नहीं होगा, ये भी ब्रेन की ही बीमारी होती है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट में और भी डिटेल में बताया गया। फिर है इसमें लास्ट, मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेरिब्रल पाल्सी इंक्लूड। तो सेरिब्रल पाल्सी अभी हमने क्या पढ़ा, क्या होती है कि मसल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ये बर्थ के टाइम पे भी हो सकता है, बर्थ से पहले भी हो सकता है किसी भी कमी की वजह से। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता हमारी बॉडी में। फिर होता है स्पीच डिफिकल्टी, हाँ हमें बोलने में भी दिक्कत होती है। डिफिकल्टी इन फिजिकल मूवमेंट, तो हमें उठने में, बैठने में, चलने में भी दिक्कत होती है। सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के अंदर, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। प्लीज इसकी कंसेप्ट की वीडियो भी देखिए, यहाँ पर गिवन है, और आप इसके कंसेप्ट से इनको सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।